सहरसा जिले के सत्तर कटैया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कुम्हरा घाट उत्क्रमित मध्य विद्यालय में भवन निर्माण में हुई घोर धांधली को लेकर छात्र लोक समता के सहरसा छात्र जिलाध्यक्ष शंकर कुमार के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर जल्द से जल्द प्रधानाध्यापक पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। पूरा मामला सत्तर कटैया प्रखंड के कुम्हरा घाट के उत्क्रमित मध्य विद्यालय की है, जहां भवन निर्माण को लेकर लाखों रुपये गबन प्रधानाध्यापक जयशंकर पासवान द्वारा करने का आरोप छात्र जिलाध्यक्ष द्वारा लगाया गया है। मीडिया से बात करते हुए जिलाध्यक्ष शंकर कुमार ने बताया कि कुम्हरा घाट उत्क्रमित मध्य विद्यालय की हालत दिनों दिन चरमराती जा रही है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सरकारी पैसे का गबन कर रहे हैं, साथ ही भवन निर्माण में प्रधानाध्यापक काफी मात्रा में पैसे का घोटाला भी कर रहे हैं। इसी को लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। दो के लिए किस मुद्दा को लेकर आपको आवेदन देना है? मामला मध्य विद्यालय कुम्हरा घाट का है। पत्तकटिया प्रखंड के बरसिर पंचायत का वार्ड नंबर एक में विद्यालय, यह विद्यालय लगभग 25 साल लगभग विद्यालय का हो गया है, आज तक भवन नहीं बना। भवन के लिए पैसा गया 22 लाख, जिसकी गबन की एक साल हो गया है। इससे पहले भी हम लोग 2018 में मिले थे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से, वो बोले भवन बनेगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। भवन का मात्र 2 कमरा है, बच्चे 350 हैं, उसी में पढ़ते हैं, उसी में खाना बनेगा, वहीं उसका कार्यालय है, सब कुछ उसी एक भवन में होता है। मतलब आरोप है कि सरकारी पैसे का जो है वो गबन कर लिया गया प्रिंसिपल द्वारा। सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ प्रिंसिपल के द्वारा, लेकिन विभाग आज तक उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। अब क्या भवन बना, नहीं कुछ बना। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम जिला शिक्षा पदाधिकारी को फिर से आवेदन दे रहे हैं, अगर एक सप्ताह के अंदर इस मामला का पर्दाफाश नहीं हुआ, भवन बनने का कोई प्रक्रिया आगे नहीं गया, हम लोग यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ आंदोलन करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंकर कुमार, छात्र आलोसपा जिलाध्यक्ष सहरसा।